जान में लेना भी नहीं। मुसलमानों ये बताओ क्या तुम्हारे जानो माल पर मैं तुमसे ज्यादा हाथ नहीं रखता। सारे मुसलमान साहबा एक जुबान होकर कहने लगे 1,26,000 कहने लगे यार रसूल अल्लाह बेशक आप हमारी जान माल में हमसे ज्यादा हाथ रखते हैं। उसके बाद नबी ने कहा अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूं, वह मन कुल को मौला हो फहादा लियुल मौला। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अच्छा नबी ने ऐलान किया। अभी मैं कल मुंबई में एक जगह तकरीर कर रहा था तो उससे पहले एक इंटरव्यू मेरा चल रहा था तो एंकर ने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगा मौलाना ये बताइए कि जो मजमा पीछे रह गया था नबी ने कहा उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ गया नबी ने कहा उनको पीछे बुलाओ। और फिर नबी ने गदीर के मैदान में ऊंट के कजावों का मिंबर बनाया, पालानों का मिंबर बनाया। तो आखिर कजावों का मिंबर बनाने की जरूरत क्या थी? तो जो जवाब मैंने कर दिया आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा सुनो अभी मैं यहां पर मुंबई में आया हूं महफिल करने, एयरपोर्ट से गाड़ी में आया हूं, अगर महफिल वाले चाहे मुझे रोकना तो उनको रोकने के लिए उनके पास एक बहुत आसान तरीका है। क्या? कौन सा तरीका? मैंने कहा मेरी गाड़ी की चाबी अपने पास रख लें, जब तक गाड़ी की चाबी उनके पास रहेगी मैं चाह कर भी कहीं जा नहीं सकता। अल्लाह ने कश्मीर कहा है, अल्लाह ने अल्लाह ने भी कहा नबी ऊंट के कजावों का मिंबर बनाओ ताकि अगर कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। सबको सुनाओ और वक्त सुनाओ नहीं दिखाओ। क्या या अय्युहर रसूल बल्ले मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचा। कुरान में एक बार है बल्ले उसका सिगा, मेरे हबीब तबलीग कीजिए पैगाम पहुंचाइए। कौन सा पैगाम? मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पर पहले से नाजिल हो चुका है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जरा आयत का तेवर देखिए, अल्लाह ने कभी इस तेवर में इस लहजे में कभी अपने नबी से कुरान में बात नहीं किया। आगे बढ़ के अल्लाह कह रहा फमा बल्लगता रिसालतहु, ऐ मेरे हबीब अगर ये पैगाम आपने नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिए कि रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। विलायत अली का अंदाजा लगा आपको? अल्लाह अपने नबी से इस तेवर में बात कर रहा है क्या? अगर अली की विलायत नहीं पहुंचाई तो फिर कुछ नहीं पहुंचाया। यही तो वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया कन्नुल उमाल में भी यह हदीस मौजूद है, अली की विलायत की अहमियत को समझो। मेरे नबी फरमाते हैं कि सुनो कोई इतना बड़ा सजदा गुजार हो कि दिन रात सजदे करे और इतने सजदे करे कि उसके पेशानी पे गट्ठों के निशान बन जाए, कोई इतना बड़ा नमाजी हो दिन रात नमाज पढ़े रुकू करे ताकि उसके कमर हमीदा हो जाए उसकी सारी कमर झुक जाए और हर का रोजा रखता हो इतने रोजे रखे कि सूख कर काटा हो जाए और हर साल पैदल हज को जाता हो और बहुत के पहाड़ के बराबर राय खुदा में जकात दे खैरात दे हर साल पैदल हज को जाए और हज में जाने के बाद तवाफे काबा करते हुए मकाम इब्राहिम के दरमियान उसे हालत मजलूमी में कत्ल कर दिया जाए और फिर उसे काबे के अंदर दफना दिया जाए। नबी फरमाते हैं इन सारी बातों के बावजूद अगर उसके दिल में अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो अल्लाह उसे होते मुंह जहन्नम में डालेगा। अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं हुआ, अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं हुआ। दिल्ली की नदी में ज्यादा मिसाइली ने सर्रा बराबर भी अगर शक हुआ राय के बराबर अली की विलायत पर तो इतने आमाल के बावजूद उन्हें मुजहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब समझ में आया विलायत अली की अहमियत?
इस बारे में रोशनी डाले, रोशनी वहां डाली जाती है जहां अंधेरा हो। सुनिए जवाब, अगले साल का याद रखिएगा, चेंज कर दिया मैंने मौजूद। सुनिए जवाब, हारिस इब्ने नौमान ने फेरी बर्दाश्त नहीं हुआ अली की विलायत, नफाक का पैमाना लबरेज हो गया। कोई जानने की कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम खैबरी लोग हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागते। बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं, पूरी तवज्जो। हारिस इब्ने नौमान फेहरी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, अगर ये ऐलान विलायत अली आपकी तरफ से है तो फिर मैं नहीं मानता। तवज्जो, अगर अल्लाह की तरफ से है तो फौरन मुझ पर अजाब आए। सुनिए, और अजाब आया, पत्थर का अजाब आया। तवज्जो, अब ये मुनाफिक भी बड़े चालाक होते हैं, बड़ा लोमड़ी मिजाज होता है मुनाफिक, इसलिए कि ये जानता था ना कि अबू जहल ने नबी से कहा था कि ऐ मोहम्मद, अगर ये कुरान अल्लाह की किताब है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो, तो अल्लाह का अजाब नहीं आया, आयत आ गई कि मेरे हबीब जहां आप मौजूद हो वहां अजाब हम कैसे भेजे। तो फिर जब अली के दुश्मन ने अजाब तलब किया तो फौरन अजाब क्यों आ गया। भाई नूह अलैहि सलाम ने भी तो दुआ की थी ना, परवरदिगार मेरी उम्मत सरकश हो गई, फौरन अजाब नाज़िल फरमा, अल्लाह ने फौरन अजाब नहीं भेजा। लूत अलैहि सलाम ने दुआ की, परवरदिगार मेरी उम्मत सरकश हो गई है, तेरी नाफरमान हो गई है, फौरन अजाब भेज, फौरन अजाब नहीं आया। हालांकि वो नूह की उम्मत अल्लाह की दुश्मन हो चुकी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के दुश्मन पर फौरन अजाब आता, अली के दुश्मन को मोहलत दी जाती, मगर हुआ उल्टा, अली के दुश्मन पर फौरन अजाब, अपने दुश्मन को मोहलत दी। वजह यह है कि अल्लाह के दुश्मन के पास एक गलत सही, मगर अल्लाह के दुश्मन के पास एक रीजन है कि भाई किसे देखा नहीं उसे माने कैसे, मगर अल्लाह ने कहा अली को तो 7 लाख ने देखा, अरे मुझे सूरज बनाते तो नहीं देखा, अली को पैदाते तो देखा, मुझे सितारा बनाते तो नहीं देखा, अली की चौखट बनाते तो देखा, मुझे काबा बनाते तो नहीं देखा, अली को काबे में आते तो देखा। हाय 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 हाय
मुसलमानों ने सिफीन के बाद नारा हैदरी लगाया है, मुसलमानों को हर महाज में कामयाबी मिली। मुसलमान हारना तब से मुसलमानों ने शुरू किया जब जुबान से भी अली अली करना छोड़ा, दिल से भी अली को निकाला। अली अली वाकई सुपर पावर है मिल्लत इस्लाम का। याद रखिएगा, शिबली नुमानी जैसे शख्स कहता है कि अगर इस्लाम का कोई हीरो है तो वो अली है। अल्लाहू अकबर। अली के दुश्मन के पास कोई रीजन नहीं है अली के इनकार का, आंखों से देखा। अच्छा ये सोचिए आप भी के ये क्या जरूरत थी कि चिलचिलाती हुई धूप में अली की विलायत का ऐलान हो रहा। यकीन मानिए मुझे सबसे ज्यादा वजीर बनने में वहां पे लुत्फ आता है जहां पर दीन में जश्न वजीर होता है, है? इसलिए कि मुसलमानों के पास रात ही रात है, तवज्जो एक दिन है। अल्लाह हू अकबर, पूरी तवज्जो कीजिएगा। और दीन भी कैसा दिन था, चिलचिलाती हुई धूप, सर पे सूरज, तपती रेगजार, सहरा का माहौल, और नबी उसमें अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मालिक जन्नत हैं, जरा ठंडी ठंडी हवा चला दीजिए। या रसूल अल्लाह, आप मालिक कौसर हैं, जरा सलसबील और कौसर की नहरें बहा दीजिए। या रसूल अल्लाह, जरा दरख्तों का साया लगा दीजिए। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है मेरे आका, चिलचिलाती हुई धूप, तपते हुए पसीने, सूरज सर पर, अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। नबी ने कहा तू जानता नहीं है मुनाफिकों का मिजाज, अगर मैं चाहूं तो समंदर हम, अगर मैं चाहूं तो दरख्तों का साया लगा दूं, जन्नत की ठंडी हवा चला दूं, कौसर और सलसबील की नहरें बहा दूं, मगर होगा क्या, क्या क्या होगा क्या, अगर ठंडी ठंडी हवा चली तो बाद में मुनाफिक कहेगा वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए। वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो कौसर की नहरें बह रही थी, हम तो सो गए, हमने तो ऐलान ही नहीं सुना। आका ने कहा कोई चांस नहीं देंगे, चिलचिलाती हुई धूप में अली की विलायत का ऐलान होगा, ताकि तपते हुए पसीनों में अली की विलायत का ऐलान हो जाए। क्या हुआ तुम्हें? Yeah.
बचा इस्लाम के दामन में। या अली की तलवार का नाम इस्लाम है, या हुसैन के सल्ले का नाम इस्लाम है। इकबाल ने जमाने को बताया कि देखो, या बाप ने सर काट कर इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा कर इस्लाम को बचाया। इस्लाम का मुहाफिज अली और औलाद अली है। पूरी तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। नबी ने ऐलान किया, मन कुन तो मौला हो पादा अली का मौला। जैसे ही ऐलान किया, कुरान की आयत आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम अल-इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती। आज भैया पानी रहने दो, मैं आज इस मजमे को कौसर पिलाना चाह रहा हूं। आज इसने हैदर का कौसर पिए है मजमा। पूरी तवज्जो, वातमंतु अलैकुम नेमती। ऐ मेरे हबीब, आज हमने नेमतें तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं दीने इस्लाम से राजी हुआ। मैंने कहा परवरदिगार, परवरदिगार इस्लाम को पहुंचाने में तेरे नबी ने कितनी मेहनत की, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियां दी, मगर तूने ये जुमला तो कभी नहीं कहा कि मैं आज इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी ने यतीमी साहब, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी ने असीरी साहब, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी का सोशल बायकॉट हुआ, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी को हिजरत करना पड़ा, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। ताइफ में तेरे नबी को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। वहां में तेरे नबी का दंदान शहीद हो गए, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। अमीर हमदा का कलेजा चबाया गया, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने कहा, क्या जब अली की विलायत का ऐलान किया तो अल्लाह ने कहा आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। जरा होश के ना होल दो मौलवियों, जब विलायत अली के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो मौलवी से राजी क्या होगा। अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होगा तो तेरी विलायत से खुदा राजी होगा। बगैर विलायत अली के, अली की विलायत ये मीजान है, मीजान शजरों की, नखलों की। ये मेरा कुलिया नहीं है, ये कुलिया हमें सहाबाए कराम ने दिया है। जो बहुत ज्यादा अजमत सहाबा का नारा लगाते हैं ना, मेरा उनका कहना है कि कम से कम तू सहाबा का तो सगा हो जा। सोच सहाबा क्या फरमाते हैं। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि जब हम मक्के में थे तो पहचानना दुश्वार था कि अपना कौन है, पराया कौन है, गद्दार कौन, वफादार कौन। इसलिए कि मक्के में एक तरफ अबू जहल होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अबू लहब होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अबू शैबा होते थे, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ वलीद होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। मगर मदीने में सारे नमाजी, मदीने में सारे मुसलमान, मदीने में सारे दाढ़ी वाले, तो यहाँ पहचानना बहुत मुश्किल था मदीने में कि अपना कौन है, पराया कौन है, हद्दार कौन है, वफादार कौन है। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब हमें चेक करना पड़ता था कि सामने वाला अपना है या पराया, हद्दार है या वफादार, तो हम जिक्र अली किया करते थे। अगर सामने वाले का चेहरा खिल जाता था, समझ जाते थे मोमिन है, चेहरा मुरझा जाता था, समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। अपनी माओं की शराफतों पर कि हमारी माओं ने वो अमानत हम तक मुंतकिल किया कि आज हमारे चेहरे जिक्र अली पर खिल जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी सैयद आए हैं, चेहरा देख रहे हैं आप, माशाल्लाह है? चेहरों से समझ में आ जाता है क्या अली का बेटा है या अली का नौकर है। अली के चाहने वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे बता देते हैं अली वाला है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। मैं आयतुल्लाह खामेनेई के बारे में पहले, आज से तकरीबन 6 साल पहले, मैं कुछ जानता नहीं था, मगर मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वजह यह है कि जब मैंने उनका चेहरा देखा, और दुनिया में जिस जिस मुमलकत में मैं घूमा हूं मौला के सदके में,
मैं मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, इतना नूरानी चेहरा मैंने अपनी जिंदगी कटमुल्ला। देखिए, जब मैं कटमुल्ला
मुल्ला कहता हूं ना तो नाराज होने की बात नहीं है। मुल्ला जो है वो इस कौम के शरीफ लोग हैं, मेरा शुमार खुद मुल्लाओं में है। मगर कुछ ऐसे मुनाफिक मुल्ला है जो मुल्लाइयत से कट कर कट मुल्ला हो जाते हैं। अब जिनके कलेजे नामे अली आने पर कट जाते हैं, मैं जब कट मुल्ला कहूं तो समझ जाइएगा इशारा कहां है, है? अब नबी तीन बड़े बड़े मुक्काबे की छत पर आप कैसे तोड़े। अब कट मुल्ला कहने लगा कि वो अली ने नबी को कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहा आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। तो कहने लगा, आका ने जवाब दिया, अली तुम बारे रिसालत उठा नहीं सकते, नऊज़ुबिल्लाह, तुम रिसालत का बोझ उठा नहीं सकते। मुनाफ़िक़ देखिए, मैं पूछूंगा कटमुल्ला से, क्या तेरा बाप वहां पर वीडियो कैमरा लेकर खड़ा था? तूने सुना देखा? अच्छा ये बताइए, नबी घोड़े पर बैठे के नहीं? हुजूर ने घोड़े पर सवारी की के नहीं? तो घोड़े ने नबी का बोझ उठाया के नहीं? नबी ऊंटनी पर बैठे के नहीं? तो ऊंटनी ने बोझ उठाया के नहीं? अरे ऊंटनी नबी का बोझ उठा सकता है? वो नहीं उठा सकता जो कोड़ियों में खैबर उठा देता है। Okay।
वालों को पता चलना चाहिए कि ये कौम ना हम मनाने में पीछे है ना खुशी मनाने में पीछे है। काली मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, दोषे रिसालत पर खड़ा है मेरा मौला। अच्छा, रसूल अल्लाह को परेशानी नहीं हुई, कटमुल्ला परेशान हो गया। चलो ईद का
एक मर्तबा नवासों ने नाना के चेहरे को देखा, देखकर कहा नाना नाना, अल्लाह जाने आप समझ रहे हैं कि नहीं, नाना नाना, क्यों मेरे लाडलो, क्या हो गया नाना? अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों पर नाकों पर बैठकर जा रहे हैं, नाना हमारा कोई नाका नहीं है। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने नवासों का चेहरा देखा, कहा मेरे शहजादों, अल्लाह हू अकबर। नबी अब देखिए, जब नबी की बात आए ना, अहले बैत की बात आए, तो जुबान बहुत संभाल कर अदा करना चाहिए। कुछ हमारे भी मौलवी कह देते हैं नबी नागा बन गए, नऊज़ु बिल्लाह, नबी ऊंट बन गए, नऊज़ु बिल्लाह। नहीं, नबी नागा नहीं बने, नबी नागा की छवि बने हैं। अल्लाह जाने कश्मीर कहां है, नबी ऊंटनी नहीं बने, ऊंटनी की छवि बने, और बनकर बता दिया कि छवि बनाना बिदात नहीं है। बहुत बड़ा जुमला अर्ज किया मैंने, बहुत बड़ा जुमला अर्ज किया मैंने। सैयदें, नय्यारें, इमामें,
नबी के कंधों पर सवार हुए। नबी उसी आलम में घर से बाहर निकले। एक मरतबा एक नवासे ने कहा, नाना अरब के सारे बच्चे अपने नावों का अपने सवारियों का मेहार पकड़े हुए हैं। नाना हमारी सवारी का कोई मेहार नहीं है। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे नवासों अरब के सारे बच्चे अपने सवारियों के लगामों को पकड़ेंगे, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ लो, तुम